आपने न्यूज में सुना होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक किया। रशियन में किंजल का मतलब होता है डैगर या खंजर। किंजल मिसाइल रशिया का नेक्स्ट जनरेशन वेपन है जो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। 12,000 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक सेकेंड में 3.3 किलोमीटर, जो काफी तेज है। इतना तेज कि यदि कोई मिसाइल इस गति से ट्रैवल कर रही है तो वो मॉस्को से कीव 4 मिनट से भी कम समय में पहुंच जाएगी। ये मिसाइल कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकती है। 480 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकती है और इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। फिलहाल यूक्रेन के ग्राउंड डिफेंस सिस्टम्स इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। ये मिसाइल विश्व के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम्स को भी चकमा दे सकती है। यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें यानी सी लेवल पर ड्राई या नॉन ह्यूमिड एयर और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऐसी स्थिति में साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर्स पर सेकेंड, रफली हम कह सकते हैं 1235 किलोमीटर पर आवर। साउंड की स्पीड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मीडियम का टेम्परेचर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इलास्टिसिटी और कॉम्पोजिशन क्या है। इसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए रेलेवेंट है माक नंबर। आसान शब्दों में माक नंबर ये मेजर करता है कि कोई भी चीज़ साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में कितना तेज चल रही है। तो जैसे हम कहते हैं कि एक मिसाइल माक 2 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब हुआ कि साउंड की स्पीड से 2 times तेज चल रही है। माक 5 का मतलब हुआ 5 गुना ज़्यादा तेज चल रही है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होते हैं? देखिए, साउंड की स्पीड को हम माक 1 कह सकते हैं। सोनिक स्पीड होती है माक 1 के बराबर यानी साउंड की स्पीड के इक्विवेलेंट। सबसोनिक स्पीड होती है जो माक 1 से कम होती है, साउंड की रफ्तार से कम होती है। सुपरसोनिक होती हैं वो स्पीड्स जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती हैं, टिपिकली माक 1 से माक 5 के बीच में होती हैं। और हाइपरसोनिक स्पीड्स वो होती हैं जो साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, टिपिकली माक 5 से भी ज़्यादा। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है क्योंकि ये एटलीस्ट साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज चल सकती है यानी ओवर 6000 किलोमीटर पर आवर। रशिया के क्लेम्स की माने तो ये माक 10 तक पहुंच सकती है यानी साउंड के स्पीड की 10 गुना तेज चल सकती है। अपने एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स और एरोडायनेमिक डिजाइन्स के कारण ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज गति से चल पाती हैं। इन्हें और खतरनाक बनाती है इनकी मनूवरेबिलिटी। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स एक निश्चित पाथ फॉलो करती हैं जिसे बीच में चेंज नहीं किया जा सकता। यदि कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है तो उन्हें उसे अवॉइड करने के लिए मनूवर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के केस में ऐसा नहीं है। इनके फ्लाइट पाथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये बीच में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करके अपने टारगेट पर प्रिसाइसली जाकर स्ट्राइक करें। हाई स्पीड के साथ साथ मनूवरेबिलिटी की क्षमता इन्हें बहुत ही घातक बनाता है क्योंकि ये ग्राउंड बेस्ड रडार डिटेक्शन को अवॉइड करके अपने टारगेट को बिना किसी वार्निंग के अप्रोच कर लेती हैं। जब तक ये डिटेक्ट किया जाता है तब तक ये अपने टारगेट के बहुत पास पहुँच चुकी होती हैं, इसलिए डिफेंसिव सिस्टम्स को इनको इंटरसेप्ट या शूट डाउन करना बहुत मुश्किल है। इसी कारण से किंजल रशियन मिलिट्री आर्सेनल में एक बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है। रशिया का दावा है कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात आती है तो वो ग्लोबल लीडर है। हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स 2 तरीके के होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक तरह की मिसाइल है जिसे काफ़ी ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद ये बिना इंजन का उपयोग किए हुए ग्लाइड करते हुए हवा में हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। वहीं दूसरी ओर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक स्पीड्स मेंटेन करने के लिए इंजन का उपयोग करती हैं। इसके अलावा दोनों में एक और डिफरेंस है। अनलाइक ग्लाइड व्हीकल्स, क्रूज मिसाइल्स लोअर ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती हैं जिसके कारण रडार को इनको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दोनों ही तरह के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स को फ्लाइट में मनूवर किया जा सकता है ताकि वे रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स या डिफेंसेस को अवॉइड करके अपने टारगेट को प्रिसाइसली स्ट्राइक कर सकें। इस वीडियो में हमने रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आपके समय के लिए धन्यवाद।